सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया। वहीं मेरठ की रहने वाली तलाक पीड़ित दो बहनों ने इस फैसले का स्वागत किया और तलाक देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। पीड़िता का कहना है कि पति से बच्चे को 5 रुपए देने के लिए कहा था, जिसके बाद पति ने मारपीट शुरू कर दी और ट्रिपल तलाक दे डाला। और जिन औरतों का तलाक हो चुका उनके बच्चों को पालन पोषण मिलना चाहिए और उनके जो दहेज है वो मिलना चाहिए, नहीं तो उसके पैसे मिलने चाहिए। शादी माँ बाप लगाते हैं वो भी तो मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। और जो दे चुके तलाक उनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी अदालत कानून बनावे सजा देवे उसे सजा मिलनी चाहिए। जो और कोई भी देख के आगे वो कानून की जो सजा है उसे सजा को देख के कोई और भी उन्होंने दे 3 तलाक जी 5 रुपए के ऊपर 5 रुपए बच्चा मांग रहा था देवता मेरा बड़ा हाँ। तो उसको देवते को नहीं दिए तो बस इसी बात पे 3 लाख दे दिया। उनको जब घर से नहीं लाकर देगी पैसे 1 लाख रुपए तो हम पर नहीं है 5 रुपए देने के लिए भी। बता दे कि दोनों बहनों की एक ही घर में दो भाइयों से शादी हुई थी, जिसके बाद शादी के कई साल तक दोनों बहनों के पति दहेज की मांग करते थे और मना करने पर उनको परेशान करते थे। अब पीड़िताओं को कानून से एक ही उम्मीद है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज़ ब्यूरो।